दोस्तों आज के मैच में एक बड़ा कंफ्यूजन तब हुआ जब मयंक अग्रवाल बैटिंग पर थे और दीपक हुड्डा नॉन स्ट्राइकर्स एंड के ऊपर थे। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल ने शॉट मारा और ये शॉट सीधा स्ट्रेट में जाकर एक फील्डर के हाथ में चला गया, लेकिन मयंक अग्रवाल वहाँ से रन भाग चुके थे और दीपक हुड्डा भी बॉल की तरफ देखते देखते आगे निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही फील्डर के हाथ में बॉल आती है, दीपक हुड्डा रुक जाते हैं। तभी होता यूँ है कि दीपक हुड्डा भी क्रीज में वापस आ जाते हैं और मयंक अग्रवाल भी बॉलिंग एंड वाली क्रीज पर पहुंच जाते हैं। दोनों सेम क्रीज पर पहुंच जाते हैं। अब दोनों सेम क्रीज पर पहुंचेंगे तो आउट तो हो गए, लेकिन कौन आउट हुआ? यहां पर दीपक हुड्डा बाहर निकल जाते हैं क्योंकि दोनों खिलाड़ी एक टाइम पर क्रॉस कर चुके होते हैं। अब आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ी क्रॉस कर चुके थे, इसी वजह से दीपक हुड्डा आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी थी? यहाँ पर गलती थी मयंक अग्रवाल की। बॉल फील्डर के हाथ में होने के बावजूद वो भागे, बल्कि दीपक हुड्डा तो फील्डर के हाथ में बॉल होने के बाद रुक गए थे और वापस अपनी क्रीज में आ गए थे। और मयंक अग्रवाल को यहाँ पर फील्डर के हाथ में बॉल होने के बावजूद भागना नहीं चाहिए था। दूसरी ओर जैसे ही वो आउट हुए, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खफा नज़र आए। दीपक हुड्डा मयंक अग्रवाल की तरफ काफ़ी गुस्से से देखते हुए क्रीज छोड़कर वापस पवेलियन लौट गए और वो कुछ कहते हुए भी निकल रहे थे। अब ना जाने वो क्या कह रहे थे, क्योंकि उस समय माइक तो उनके पास था नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी कुछ मयंक अग्रवाल को कहते हुए निकल रहे हैं। बहरहाल दोनों के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक साथ काफ़ी समय से खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा इस रनआउट से नाराज़ ज़रूर होंगे क्योंकि उनको बैटिंग करने का मौका मिला ही नहीं और वो पहले ही आउट हो गए। आपका क्या कहना है, किसकी गलती थी, मयंक की गलती थी या फिर दीपक हुड्डा की? क्योंकि अगर दीपक हुड्डा भी निकल चुके होते तो शायद वो भी बैटिंग एंड पर पहुँच चुके होते। हमें कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।